स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024-25 जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। फॉर्म आने से पहले आपको वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है। तो फॉर्म किस किस के लिए यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है, आपके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के थ्रू यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए फॉर्म देखने को मिलेगा। तो फॉर्म यहाँ पर आपका कब तक आ जाएगा, तो अप्रैल में आपका फॉर्म कंफर्म है, आने वाला है। तो आपको ये वीडियो जल्दी से वॉच कर लेना है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। काउंसलिंग में आपके साथ में जुड़े रहेंगे, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, टाइम से आपको अपडेट भी करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बार मुझे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि आपका जो फ़ीस है वो कितना रहता है। तो फ़ीस का क्राइटेरिया सेम रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए। तो जर्नल के लिए यहाँ पर और आपके ओबीसी के लिए 3000 का पेमेंट है। देन उसके बाद आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का जिसके पास सर्टिफिकेट है 2000 रुपये पेमेंट रहेगा। मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 17 ईयर, 31 दिसंबर 2024 से पहले, ठीक है। ये लास्ट ईयर का है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, इनको आपको इशू करवा लेना है। जैसे आपका यहाँ पर वैलिड ओबीसी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बारे में, तो ये एक साल के लिए वैलिड होता है। तो आपको यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही यहाँ पर इशू हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आपका यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दे रखा है, कास्ट सर्टिफिकेट इशू ओनली बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, यानी कि तहसील से आपका बना हुआ होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेबल, अगर यहाँ से बना हुआ है आपका तो ही इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ रिजेक्ट होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, वो भी यहाँ पर आपको कहाँ से बनवाना है, तहसील से ही जा कर के बनवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है और आपके 12th क्लास की मार्कशीट है, उसको भी अच्छे से आप क्लियर करके रखें। क्योंकि देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है स्टूडेंट के, देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट की मिस्टेक हो जाती है इशू होने के बाद में। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है उसमें कोई नंबर मिस्टेक है या फिर कुछ भी इशू है या फिर एरर है, तो उसको अभी आप करेक्ट करवा लीजिए, तो करेक्ट हो जाएगा फॉर्म आने से पहले। अगर फॉर्म आने के बाद अगर ये चीज़ें आपके सामने निकल कर के आती हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स। सारी चीज़ें आपको क्लियर मैं साथ ही करती हुई चल रही हूँ, क्योंकि फॉर्म आने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो यहाँ पर आपको 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, मिडिल नेम आपका यहाँ पर क्लियर लिखा होना चाहिए, लास्ट नेम आपका क्लियर होना चाहिए। 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें आपका जो फादर नेम लिखा हुआ है वो, उसका जो प्रिंट हुआ है वो भी साफ साफ यहाँ पर क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर अगर अभी से हैं फ्रेंड्स तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ईमेल एड्रेस अगर आप यूज़ करते हैं तो वैलिड ईमेल एड्रेस का ही यूज़ करेंगे, हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाती है तो ईमेल एड्रेस के थ्रू ही जाएगी जो आपका चालू है, यानी कि मोबाइल में इस टाइम पर रनिंग स्टेटस में है। मोबाइल नंबर भी सेम वही रनिंग स्टेटस में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके मोबाइल नंबर पर ही या तो SMS के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको बताना ज़रूरी होता है। प्लेस ऑफ बर्थ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका ज़रूरी है, ठीक है। नेशनलिटी क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है फ्रेंड्स फॉर्म आने से पहले। मैं बार बार आपको हमेशा से बताती हुई आ रही हूँ। तो काउंसलिंग में जैसे भी आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है फ्रेंड्स आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये मैंने काफ़ी टाइम इन्फॉर्म किया था, तो परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका इतना रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इंग्लिश में एग्ज़ाम रहेगा, हिंदी और इंग्लिश इस बार शायद दोनों में एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको नई इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन का वेट करना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के लिए दोनों से यहाँ पर चर्चा में है कि आपको हिंदी और इंग्लिश की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी फ़िलहाल इंग्लिश मान के चलें, जैसे ही न्यू गाइडलाइन आती है उसमें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वेट करना है। और यहाँ पर आपको देखिए MCQ देखने को मिलेगा, OMR शीट आपको देखने को मिलेगी, किया जाएगा 200 नंबर का आपका एग्जामिनेशन रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर अभी से कर लेनी है, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रेंड्स ज़रूर बनवा लें, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लास्ट ईयर भी इशू हुए थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बच्चों का इशू नहीं हो पाया था और कुछ लोगों का इशू हुआ था। तो वो तहसील के थ्रू अगर नहीं हुआ है या फिर कोई तहसील के थ्रू इन्फॉर्मेशन आपकी गलत भरी गई है तो उसको करेक्ट करवा लें, अभी भी टाइम है, ज़्यादा समय अब नहीं है। ठीक है, 1 अप्रैल हो ही चुकी है और उसके बाद ये देखिए फॉर्म का फॉर्मेट रहता है, आपको किस तरीके से फ़ोटोग्राफ्स लगवाना है, फ़ोटोग्राफ आपका क्या रहेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स फ़ोटो की बात कर लेते हैं, तो फ़ोटो में आपको किस तरीके की फ़ोटो चाहिए होंगी, तो फ़ोटो की यहाँ पर बात करें तो बैकग्राउंड आपका कैसा होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और साइज़ कैसा होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। और अगर आप डार्क ग्लासेस लगाना पसंद करते हैं तो आपको नहीं लगाना फ़ोटो खिंचाते वक्त, यानी कि फ़ोटो अगर आप क्लिक करवा रहे हैं तो कोई भी गॉगल या फिर कोई भी ग्लास आपको नहीं लगाना है, कोई कैप नहीं पहनना है या फिर कोई भी आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट अपने आसपास नहीं रखना है जिससे आपका फेस रिवील ना हो पाए। ठीक है, या अच्छे से रिवील ना हो पाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये स्टेटस आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको आता है तो इसको ज़रूर से डाउनलोड करके रखें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर तहसील जाकर के बनवा लेना है, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन। और NCC की बात करें तो यहाँ पर अथोराइज्ड बटालियन से आपको बनाना पड़ेगा, जहाँ से आपने NCC कंप्लीट करी है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं फ्रेंड्स। अभी फॉर्म आने के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, 15 अप्रैल के बाद आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, उससे पहले भी फॉर्म आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।